अगर आपको फैंग में जाना, सबसे इजी कंपनी अमेजोन है। इन दोनों ने साफ मना कर दिया था मुझे कि आप सर्विस बेस से हैं तो हम आपका इंटरव्यू नहीं शेड्यूल कर सकते। अब आपको एग्जैक्टली गोल्डमैन सैक्स ने ऑफर कितना किया था वो बताओगे? मैंने बहुत सारी कंपनी में अप्रोच किया, तो तीन चार तरीके होते किसी भी कंपनी को अप्रोच करने के। हमारे इन्फोसिस में 6 CGPA चाहिए होता है, मेरे 6.5 CGPA आ गए, मैं खुश था। मतलब मेरे सीनियर को तो 10 लाख का भी मिला है परफॉर्मेंस, क्योंकि मेरी बैग आ गई थी तो मुझे किसी भी कंपनी से बैठने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो यार मैं कॉलेज में मोस्टली एज अ बैक बेंचर था, कभी पढ़ाई लिखाई की नहीं, अटेंडेंस हमेशा मिनिमम में रहती थी। सर वीडियो वगैरह स्टार्ट करने से पहले यार दूसरा चैनल स्टार्ट किया है कोड इन 10, एंड वहाँ पे वीडियोस डाल रहे हैं पढ़ाई रिलेटेड, ठीक है, ट्यूटोरियल्स होंगे इन 10 मिनट्स। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन वगैरह सब दबा देना, ठीक है। अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मैं निशांत चाहता हूँ। आज की वीडियो में हमारे साथ है प्रांजल मिश्रा। उन्होंने अभी अभी रिसेंटली काफी अमेजिंग कंपनीज निकाली हैं, उनमें से एक अमेजोन है, दूसरी हमारी गोल्डमैन सैक्स है, दो तीन ऑफर्स और हैं, बट जो मेजर बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है वो ये दोनों है। एंड इनको काफी ज्यादा अमेजिंग पैकेज मिला है। प्लस ही वॉज फ्रॉम इन्फोसिस, उन्होंने एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम किया था, उससे पहले एक Tier-3 कॉलेज से थे। तो वो पूरी जो जर्नी थी कि सर्विस बेस से इन्होंने कैसे प्रोडक्ट बेस में शिफ्ट किया, 3 मंथ का जो नोटिस पीरियड होता है वो कैसे इन्होंने हैंडल किया, एंड और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। पहले उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हाय गाइस, मेरा नाम प्रांजल मिश्रा है। थैंक्स निशांत मुझे इन्वाइट करने के लिए। मैं बिलोंग करता हूँ लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और मैंने इंजीनियरिंग की है अपनी KSIT कॉलेज बैंगलोर से, जो कि Tier-3/Tier-4 कॉलेज टाइप से है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग के बाद इन्फोसिस ज्वाइन की एज अ सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट। उसके बाद मैंने इंटरनली एक एग्ज़ाम होता है पावर प्रोग्रामर के लिए, तो मैंने वो क्रैक किया, जिसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद पावर प्रोग्रामर मेरा पैकेज अराउंड 8.5 था। उसके बाद मैंने बहुत सारी कंपनियाँ क्रैक की, उसमें से एक थी अमेज़ॉन, और अभी करंटली मैं एज एन SD वर्क कर रहा हूँ अमेज़ॉन में। तो यार अपना थोड़ा कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ कि जो कॉलेज की पूरी जर्नी थी, 4 साल में हमने क्या क्या चीज़ें करी, कैसे कैसे हुआ वो सब। तो यार मैं कॉलेज में मोस्टली एज अ बैक बेंचर था, कभी पढ़ाई लिखाई की नहीं, अटेंडेंस हमेशा मिनिमम में रहती थी, और हमेशा सेकेंड थर्ड आ जाता था लास्ट से, मतलब उस तक आ जाता था, इतना भी ख़राब नहीं था। तो यार मैंने कॉमेट के दिया था, और मैंने मैं बैंगलोर आना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि वहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, और अगर मुझे मतलब मान लीजिए कोई कोचिंग वगैरह लेनी, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इजी रहेगा बैंगलोर में, विद रिस्पेक्ट टू मतलब मैं जहाँ से हूँ लखनऊ से, इसलिए मैंने बैंगलोर आना प्रेफर किया। सो शुरुआत में तो जब कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया तो एकदम नया माहौल, एकदम मस्ती में आए, खूब मज़े किए, एकदम पढ़ाई नहीं की, और ऐसे करते 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 डायरेक्ट 6th semester 7th semester आ गया। और इसी बीच यार परसेंटेज CGPA वाइज तो बहुत अच्छा नहीं था, मतलब हमारे इन्फोसिस में 6 CGPA चाहिए होता है, मेरे 6.5 CGPA आ गए, मैं खुश था, और बैग भी एक आध आई थी। तो लास्ट सेमेस्टर में कुछ ऐसा हुआ कि क्योंकि मेरी बैग आ गई थी तो मुझे किसी भी कंपनी में बैठने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो ये प्रॉब्लम थी। ओके, बट कॉलेज में कंपनीज कौन सी आती थी आपके? अच्छा, कॉलेज में मेरे मेजरली अगर बहुत अच्छी कंपनी बोला जाए तो इन्फोसिस आती थी, और TCS ऑफ कैंपस थी, मतलब मान सकते हैं कि इन्फोसिस सबसे बेस्ट कंपनी थी हमारे कॉलेज में। गॉट इट। अब जैसे आपके तो बैक आ रखी थी आपने बताया, और आप प्लेसमेंट में बैठ नहीं पाए थे, तो फिर आपकी इन्फोसिस जो थी वो लगी कैसे थी, उसके बारे में बताओगे? ठीक है यार, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मान, 15% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब तुम्हें नहीं पता व्हाट इज कोडिंग निंजाज, कोडिंग निंजाज इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, तुम्हारा DSN, C++, जावा, पाइथन, एंड जो तुम्हारे इंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ पे वो स्टैनफोर्ड IIT ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने अमेज़न, फेसबुक जैसी अमेजिंग कंपनीज में काम किया हुआ है, एंड जो कोर्स स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो काफी ज्यादा अच्छा है। मैंने खुद सेकंड ईयर में अपना DSA का जो कोर्स किया होता है यहीं से किया था। अब जब भी हम कोई कोर्स वगैरह कर रहे होते हैं तो मैं डाउट तो आते ही हैं, ठीक है। अब डाउट्स के लिए यहाँ पे रहते C++ DSA वाले कोर्स में 200+ हिंट वीडियोस हैं, तुम कहीं पे भी अटकते हो तुम हिंट वीडियोस देख सकते हो। अगर तुम्हारा डाउट फिर भी सॉल्व नहीं होता तो TA सपोर्ट तो है, तुम्हारे 3 से 4 घंटे के अंदर सारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सो कोई देरी वेरी की जरूरत नहीं है, 15% ऑफ का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तुम जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो तुम्हें अगर कोई भी कोर्स लेना है तो। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यार ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो असल में हम लोग TCS का जो निंजा होता है NQT वगैरह वो देने गए थे, तो जब वहाँ से लौट रहे थे तो मैं अपने एक दोस्त के साथ मतलब समोसा खाने के लिए रुका, तो क्योंकि NQT अच्छा नहीं गया था तो हम लोग ऐसे डिस्कस करने लगे कि और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब और क्या हम लोग किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ऐसी वो बात चली और उसने बोला कि यार तो इन्फोसिस का InfyTQ करके एक आया है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वो लोग पाइथन पूछेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग और थोड़ा बहुत MongoDB। तो
तो मुझे लगा कि यार इंटरेस्टिंग है, मुझे थोड़ा बहुत पाइथन आते ही है और मोंगोडीबी भी थोड़ा बहुत मैंने किया ही है, तो यार को एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैं एक दिन सुबह मतलब जिस मैंने उससे पूछा कि लास्ट डे कब है, तो उसने बोला कि शायद बीत चुका है। मैंने बोला एक बार चेक करके देखो, तो उसने जब चेक किया तो बोला कि आज ही लास्ट डे है। तो मैं घर जल्दी से पहुंचा, मैंने जल्दी से अपना स्लॉट बुक किया और शायद नेक्स्ट वीक था मेरा एग्ज़ाम, और सुबह जाते ही मैंने डायरेक्ट टेस्ट दिया और इतना क्विक प्रोसेस था कि विद इन हाफ एन आवर हम लोग टेस्ट देके निकले, विद इन हाफ एन आवर मेरे को 3.5 वाले पैकेज वो पकड़ा दिए कि आपका 3.5 वाला तो हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप एक और टेस्ट होता है जिसमें डिसाइड होता है कि आपको कौन सा प्रोफाइल मिलेगा। तो इनके दो प्रोफाइल होते हैं, एक होता है अराउंड 5 LPA वाला उस टाइम था और एक था 8 LPA वाला। सो कॉलेज में आके जब मैंने जो ऑफर 3.5 वाला भेजा था उन्होंने, तो डायरेक्ट कॉलेज को भेजा था, तो कॉलेज तक बात पहुंच गई थी। तो कॉलेज वाले ने बोला कि हम रिस्क नहीं ले सकते, आपको कॉलेज में बैठ के एग्ज़ाम देना है। तो कॉलेज का इतना अच्छा पीसी था कि जब एग्ज़ाम दे तो 2-3 बार तो शट डाउन हो गया, तो उसमें अच्छे से नहीं दे पाए। तो पावर प्रोग्रामर तो नहीं मिला, लेकिन सिस्टम इंजीनियर स्पेशलिस्ट निकल गया 5 LPA वाला पैकेज, तो ऐसे मैंने ज्वाइन किया। ओके, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक तो पहले लास्ट डे पे आपने अप्लाई कर दिया, बाद में टेस्ट भी निकल गया, और टेस्ट निकलने के बाद जब दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली उस दिन पीसी ने ही दम तोड़ दिया। बट ठीक है, कोई नहीं, अब फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद आप काफी मस्त जगह हो। दोनों जो आपने कंपनीज निकाली है बढ़िया बढ़िया वाली, गोल्डमैन सैक्स और अमेज़न, काफी अमेजिंग है। तो टोटल प्रांजल ने ना 5 कंपनीज निकाली, स्टार्टिंग में 3 कंपनीज निकाली थी, वो उनके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो चीज समझेंगे गोल्डमैन सैक्स में एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसेस हुआ था, उन्होंने वो कैसे निकाली, वो अप्रोच कैसे किया रिक्रूटर को, वो सारी प्रोसेस समझते हैं। तो बताओ प्रांजल थोड़ा। तो यार ऐसा हुआ, जब मैं स्विच करना ट्राई मतलब स्विच करना जब मैंने जब सोचा कि स्विच किया जाए, तो मैंने बहुत सारी कंपनी में अप्रोच किया। तो तीन चार तरीके होते हैं किसी भी कंपनी को अप्रोच करने के। सो अप्रोच नंबर 1, जाके उनके करियर पेज पे अप्लाई करो। मैंने बहुत ट्राई किया, कुछ कुछ में आता था, कुछ कुछ में नहीं आता था, ठीक है। अप्रोच नंबर 2, रेफरल लो किसी से, उसमें भी चांसेस कभी कभी रहती है क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मैंने रेफरल लिया और नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि मैं सर्विस बेस्ड से था। ऑप्शन नंबर 3, ये पता नहीं एथिकल है कि नहीं है, लेकिन मैंने ये फॉलो किया और मुझे सबसे इफेक्टिव यही लगा। मेरे सारे जितने भी राउंड्स हुए सब इसी थर्ड टूल की वजह से हुए। ये था बेसिकली जिन जिन लोगों ने इंटरव्यू दे रखा है उन्होंने कंपनी से मतलब उन लोगों से जाके रिक्वेस्ट करो कि भैया HR का नंबर दे दीजिए, या फिर किसी के पास भी अगर HR कोई उस कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसे HR का नंबर मांग लीजिए, और डायरेक्ट HR को कॉल करके बोलिए कि इतने इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखे हैं, ये रेटिंग है और मैं DSM बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं आपका इंटरव्यू 100% कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं निकाल सकता हूँ। तो HR भी फिर रिज्यूम वगैरह देखता है और जाके रेटिंग वेटिंग देखता है कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मतलब उसको भी लगता है कि हाँ टाइम वर्थ गिविंग है इसके लिए, तो चांसेस हैं। अगर ऐसे भी नहीं हो पा रहा तो मतलब फिर बहुत मुश्किल है। ये मेरे हिसाब से लास्ट ऑप्शन था एकदम। तो ऐसे जितने भी इंटरव्यू शेड्यूल हुए हैं वो सब मेरे इसी तरीके से हुए हैं, मैंने ऐसे किया है। तो आपने 3 टेक्निक्स बता दी किसी भी लाइक कंपनी में अप्लाई करने के लिए, अब आपने गोल्डमैन सैक्स में कौन सी वाली टेक्निक अप्लाई करी थी वो जरूर बताना, एंड इसके अलावा प्रोसेस क्या था, कितने राउंड्स हुए थे, टेस्ट वगैरह हुआ था, जनरली किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ओके, सो गोल्डमैन सैक्स में बेसिकली मेरे एक सीनियर काम करते हैं, मैंने उनसे एज अ रेफरल लिया था और डायरेक्टली मुझे ओए लिंक आ गया। तो सबसे पहले राउंड नंबर 1 इज ओए लिंक, तो पहले वो क्रॉस करो फिर इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं। तो मैं पाइथन स्पेसिफिक रोल के लिए था तो मेरे इंटरव्यू उसके लिए शेड्यूल हुआ। गोल्डमैन से ऐसी खासियत ये है कि वो सब पूछ डालते हैं उसमें, सब पूछ मतलब अमेजोन ने तो सिर्फ GS में कंसंट्रेट किया था, उन लोगों ने मुझसे लो लेवल डिज़ाइन भी करवा लिया, उन लोगों ने मेरे डेटाबेस भी डिज़ाइन करवा लिया और अच्छे खासे लेवल के उन्होंने मतलब मीडियम टू मीडियम हार्ड लेवल के उन लोगों ने मुझसे DSL के क्वेश्चन भी पूछ लिए, तो सब सारा कवर कर लिया उन लोगों ने। सो टोटल 4 to 5 राउंड्स हुए थे और लास्ट मतलब सारे टेक्निकल राउंड थे, एक भी मतलब डिस्कशन वाला नहीं था। जैसे अमेजोन में लास्ट में होता है कि लीडरशिप प्रिंसिपल राउंड और गूगल में गूगलीनेस राउंड होता है, ऐसा कुछ नहीं था, सारे टेक्निकल राउंड थे उसमें। ओके, अब आपको एग्जैक्टली गोल्डमैन सैक्स ने ऑफर कितना किया था वो बताओगे? यार एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकते, लेकिन मैं रेंज बता सकता हूँ कि इट वॉज अबव 24+, और इसमें ज्वाइनिंग बोनस सिर्फ बेस है 24+, उसके इसमें ज्वाइनिंग बोनस या लोकेशन बोनस वो सब इंक्लूड नहीं है। ओके, वो सबको अगर इंक्लूड करोगे तो 32-33+ चला जाएगा। काफी सही। और गोल्डमैन सैक्स की एक बहुत अच्छी वो है कि वो लोग हर मंथ जो है परफॉर्मेंस बोनस भी देते हैं, तो वो भी मतलब अच्छा खासा अमाउंट रहता है, मतलब कभी कभी मतलब मेरे सीनियर को तो 10 लाख का भी मिला है परफॉर्मेंस। सो अगर उसको इंक्लूड करोगे तो 40+ भी जा सकता है पर ईयर।
काफी सही यार, काफी सही। तो प्रांजल अभी आपने अमेजोन ज्वाइन करी, तो अमेजोन का प्रोसेस क्या था, अमेजोन के लिए कैसे अप्लाई किया उसके बारे में बताओगे? यार अमेजोन में मैंने निंजा टेक्निक नंबर 3 अप्लाई की डायरेक्टली। मैंने रिक्रूटर को कॉल किया, उनसे बोला कि मतलब कि इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, प्लीज़ अरेंज कर दीजिए इंटरव्यू। तो डायरेक्टली मुझे वो लिंक आ गया अमेजोन में। ये अच्छा है, लेकिन अमेजोन मतलब काफ़ी, अगर आपको फैंग में जाना, सबसे ईजी कंपनी अमेजोन है। उसमें आप कभी कभार करियर में भी अप्लाई कर दो, करियर पेज में भी, तो भी आपको इंटरव्यू लिंक आ जाता है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था, पता नहीं कैसे क्यों। खैर मैंने एज अ मतलब इंटरव्यू अप्रोच किया और उन्होंने वो लिंक की भी है। वो लिंक में तो बहुत ही इजी मीडियम क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इट वाज दो क्वेश्चन थे और दोनों में क्वेश्चन सॉल्व करके हमको उसका डिस्क्रिप्शन लिखना था कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, क्या अप्रोच थी, क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी, ये सब लिखना था। तो दो क्वेश्चन थे और दोनों का एक्सप्लेनेशन लिखना था, तो 4 क्वेश्चन। उसके बाद एक सिंपल सर्वे होता है, मतलब कि मतलब परफॉर्मेंस बेस की क्या आपको क्या चूज़ करना है दोनों में से, तो वो हुआ था। फिर उसके बाद मेरे 3 टेक्निकल राउंड हुए हैं और 1 लीडरशिप प्रिंसिपल राउंड हुआ है। सो अमेजोन मेरे हिसाब से मतलब मीडियम के ऊपर नहीं जाता, आप इजी टू मीडियम रेंज में अगर लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस है आपको, तो आप इजीली अमेजोन क्रैक कर सकते हैं। आपको मतलब हार्ड वगैरह में जाने की जरूरत, सेगमेंट्री तो डीपी तक नहीं पूछता अमेजोन, तो बाकी तो बात की बात है। ठीक है, काफ़ी सही यार, काफ़ी सही। तो अभी तुम्हें पता है कि उन्होंने गोल्डमैन सैक्स नहीं ज्वाइन करी है, इसका यही रीज़न है कि अमेजोन ने इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए हैं। अब वो हम बता नहीं सकते क्योंकि इन्होंने अमेजोन ज्वाइन कर लिया, तो नो डिस्क्लोजर पॉलिसी होती है। बट जब इन्होंने बताया था कि 40+ तो सिर्फ गोल्डमैन सैक्स का था, तो तुम गेस कर सकते हो कि 40 से ज़्यादा ही है, ठीक है, हमारे अमेजोन का भी। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि यार जब कोई बंदा सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच कर रहा होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, कुछ कंपनीज वगैरह अलाउ नहीं करती, तो आपका शायद ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा था, उसके बारे में बताओगे? हाँ यार, दिक्कतें तो बहुत आई, दिक्कतें मेन सबसे दो दिक्कतें सबसे बड़ी वाली है। एक तो आप सर्विस बेस्ड में हैं, वो खुद में ही बहुत बड़ी दिक्कत है। सो दो कंपनी को तो मैं नाम ले सकता हूँ, एक है लेंसकार्ट, एक है हॉटस्टार। इन दोनों ने साफ मना कर दिया था मुझे कि आप सर्विस बेस्ड हैं तो हम आपका इंटरव्यू नहीं शेड्यूल करा सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम नंबर 2 है कि 3 मंथ, मेजॉरिटी ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनी में 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है, और जब भी आप अप्रोच करेंगे किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को और बोलेंगे कि प्लीज़ मैं बहुत अच्छे स्किल्स में, स्किल्स बहुत अच्छी हैं, प्लीज़ आप इंटरव्यू मुझे शेड्यूल करा दीजिए, तो वो बोलेंगे कितना नोटिस पीरियड है। आप जैसे ही बोलेंगे 3 महीने नोटिस पीरियड, तो वो राम राम करके आपको बोलेंगे कि नहीं हो पाएगा। खैर इसको मैंने 2 तरह से टैकल किया। एक पहली बार तो कि कंपनी कैसे मुझे अप्रोच करनी है, तो उसमें से मैंने आपको 3 टेक्निक बताई कि पहला, दूसरा, तीसरा। तो मैं तीसरा वाला फॉलो करता था और मुझे इंटरव्यू मिल जाता था। अब मैंने वो कैसे टैकल किया, 3 मंथ्स वाला नोटिस पीरियड, तो उसका ये सिस्टम था कि मैंने पहले वो वाली कंपनी टारगेट की जो 3 महीने के लिए फ्लेक्सिबल है ना। जैसे मैंने सबसे पहले डेलॉयट निकाली, अब जैसे मैंने डेलॉयट निकाल ली है ना, वो 3 महीने के लिए रेडी है, तो मैंने जैसे ही डेलॉयट निकाली मैंने रेजिग्नेशन दे दिया अपना। अब मैंने 1 महीने तक वेट किया, अब जब मेरे लास्ट के 2 महीने बचे, तब जब 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 2 महीने बचते हैं तो बहुत सारी कंपनियां अलाउ कर देती कि हाँ अब दे सकते हैं कम से कम, ठीक है, तब मैंने देना चालू किया। तो पहले मैंने मतलब कुछ कंपनियां निकाली और फिर लास्ट में जब मेरे पास 1 महीना बचा, तब मैंने गोल्डमैन सैक्स और अमेजोन को अप्रोच किया कि हाँ आप इंटरव्यू कर सकते हैं, और तभी मैंने क्रैक की। तो यही बेसिकली टेक्निक है। काफ़ी सही। तो इसमें बस वही है कि अगर तुम सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, तो जैसे तुम्हारी कोई पहली अच्छी कंपनी निकल जाती है, मतलब एक लिस्ट टाइप की बना लो कि यार ये वाली ड्रीम है, ये वाली चलो मिल जाएंगी तो बढ़िया है, और ये वाली कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं। तो जब तुम ट्राई करके देख लो से आगे बढ़ जाओ 1 महीने में, तो इनमें जाने वाली सेकेंड वाली कैटेगरी में इंटरव्यूज देना स्टार्ट कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज पहले ही ढूंढ के रखो, एंड जब वो वाला हो जाए, जब तो जो तुम्हारी ड्रीम कंपनीज बच गई है फाइनली, जब 1 महीने का नोटिस पीरियड बचे, जब 30 दिन है उससे कम बचे, तो उसके बाद आराम से उन वाली कंपनीज में अप्लाई करो, उन वाली कंपनीज में इंटरव्यूज दो, एंड फिर जो तुम्हें बेस्ट लगे वो ऑफर ले लो। ठीक है यार प्रांजल, लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि यार कोई तुम्हारे लिए सजेशंस वगैरह हो, कुछ टिप्स वगैरह हो लाइक लोगों के लिए जो भी सर्विस बेस्ड कंपनी में या फिर जो Tier-3 कॉलेज से। मैं 3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। पहली चीज़, जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सिर्फ लॉजिक देखना है, उनका कोड कभी नहीं देखना है। कोड कब देखना है, जब आप अपना खुद का कोड लिख चुके होंगे उसके बाद उनका कोड देखना है कि वो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। मैं बस उनको इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ अपने में, मैं बस मतलब सिर्फ उनका कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा पूरा अपना कोड, है ना। तो ऐसे में क्या रहता है कि अगर आपने खुद कोड लिखा है तो आपको रिविजन करने में बहुत आसानी होगी और लॉन्ग टाइम तक आप रिटेन कर सकते हैं उसको। दूसरा पार्ट ये है कि कंसिस्टेंसी। मैंने कोड पढ़ा था, शायद पता नहीं फेसबुक के पता नहीं कहाँ पढ़ा था, लेकिन बहुत अच्छा कोड था। कि कोड ये था कि आपने स्ट्रांगेस्ट आदमी को हारते हुए देखा होगा, आपने बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी को हारते हुए देखा होगा, लेकिन कभी आपने जिद्दी आदमी को हारते हुए नहीं देखा होगा। आप जितनी बार उसको डाउन करेंगे वो वापस खड़ा हो जाता है।
तो कंसिस्टेंसी इज द की, जितनी बार आप आपको लगे कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, आप जिद्दी बनिए और फिर से लग जाइए और करते रहिए करते रहिए करते रहिए। इसका मतलब चार शुरुआत के 4-5 महीने में आपको बहुत ही मोटिवेशन होगा, आपको लग रहा है क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो 4-5 महीने जिसने पार कर लिए हैं बाद में इजी इजी है, सब कुछ इजी है, फिर आपको पैटर्न समझने आ जाते हैं, फिर आप मतलब आपके लिए इजी हो जाता है बात। एंड लास्ट मोटिवेशन के लिए कुछ लोगों को फॉलो करो, मैं तो शेयर करूँगा ओजा सर को फॉलो करो और बहुत सारे लोग हैं, तो कभी कभी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो निशान भाई ऑलरेडी मोटिवेशन देते ही रहते हैं तो यही है लास्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रांजल, काफी मजा आपके साथ बात करके, और ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।